सीताओं का अग्नि परीक्षण, द्रौपदियों के चीर का हरण, सीताओं का अग्नि परीक्षण, द्रौपदियों के चीर का हरण, नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो, नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो, जीवित है अस्तित्व हमारा, कह दो ये पाषाण को, उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को, उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। वो नारी जो अपना सर्वस्व लुटा देती है, वो नारी जब प्रेम करती है, मैंने हिंदुस्तान के प्रेम को चार पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है, चाहे ये मुस्लिम लड़कियां यहाँ बैठी हैं, कुछ हिंदू भी यहाँ बैठे हैं, मजहब में कोई बात नहीं करूंगी, मैं केवल एक बात कहती हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब लड़की सच्चा प्रेम करती है तो अपने प्रियवर से यानी कि अपने प्रेमी से, अपने बॉयफ्रेंड से एक ही बात की कल्पना करती है और वो बात बिल्कुल सच्ची और अच्छी है। यदि लगे कि अनामिका ने ये बात सही कही है, प्रेम ये है, तो मेरी चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और इस गीत को कंटिन्यू करती हूँ। सुनिएगा, हिंदुस्तान की नारी क्या कहती है। लोग कहते हैं नारियों के वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया, उठने बैठने का तरीका बदल गया, हर बात करने का तरीका बदल गया, इतनी आजाद हो गई कि वो बाहर कैसे भी निकल जाती है। मैं मानती हूँ किसी भी बात का तरीका बदल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती। आप जानते हो कि रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी को कहते हैं, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा काम हो जाऊं, तू मेरा काम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा, विलह मंजूर है मुझको। क्या कहती है एक नारी जब वो सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को इस बात का बोध कराती है। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, एक ही बात सोचती है जो मैं कहने जा रही हूँ पूरे विश्वास से, कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा नाम हो जाऊं, तू मेरा नाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, बनू स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते जो,
अभिनंदन है, उसका ही अपमान जनक अभिनंदन है। अब भाषा मर्यादित ही हो, अब भाषा मर्यादित ही हो और नारी सम्मानित ही हो, तो साहस के बल से तोड़ो या जिह्वा के छल से तोड़ो, तो साहस के बल से तोड़ो या जिह्वा के छल से तोड़ो, क्या क्या, तो साहस के बल से तोड़ो या जिह्वा के छल से तोड़ो, देह से मन तक छल नहीं कर दे तब भुके ऐसे बाण को। उठो अहिल्या शिला में तुमको स्वाभिमान के प्राण को, उठो अहिल्या शिला में तुमको स्वाभिमान के प्राण को। और अंतिम बात आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत मना कर दिया, मेरी बात समझी भी होगी, बहुत जरूरी है, एक बार साहस करके देखना, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि देवी कहकर ना हमको लाचार करो, देवी कहकर ना हमको लाचार करो, नारी है नारी सा ही व्यवहार करो, देवी कहकर ना हमको लाचार करो, नारी है नारी सा ही व्यवहार करो, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, जब तक आप ये कहोगे कि आओ हमारी रक्षा करो तब तक आपको सहानुभूति मिलेगी। क्यों रक्षा करो, हम भी इंसान है जैसे आप भी है वैसे हम है, जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कोई नहीं समझेगा, इसलिए हमें समझना जरूरी है। अंतिम बात कहती हूँ, सुनेगा कि ना देवी कहकर ना हमको लाचार करो, नारी है नारी सा ही व्यवहार करो, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, उपकारों का कोई शाप नहीं देना, शून्य नहीं हम तो अनंत है, शून्य नहीं हम तो अनंत है, हम आरंभ से हम ही अंत है, शून्य नहीं हम तो अनंत है, हम आरंभ से हम ही अंत है, संबंधों के अनुबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, हमने ही तो पूर्ण किया है इस जग के निर्माण को। उठो अहिल्या में माताएं, उठो अहिल्या शिला में तुमको स्वाभिमान के प्राण को, उठो अहिल्या शिला में तुमको स्वाभिमान।